हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। नए ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप लोगों को गाइस पता होगा, अगर कल वीडियो आपने लोगों ने देखा होगा तो मैंने बताया था कि मैं आज जाने वाला हूँ पुणे तलेगांव। ठीक है, तो जो तलेगांव है वो पुणे और लोनावला के बीच में है, तो वहाँ जाने वाला हूँ। तो आज आप लोगों को इस ब्लॉग में मैं बताऊँगा मुंबई से बाई रोड कैसे तलेगांव जाएंगे और कितना खर्चा आएगा। ठीक है, सारी जानकारी इसमें रहेगी। और मैं जा रहा हूँ अभी कस्टमर को पिकअप करने, तो चल लिए वहीं से पिकअप करके आपको बताएंगे। मेरा जो पिकअप है मुलुंड से है, तो अभी हम यहाँ पार्ला से निकलेंगे मुलुंड के लिए। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में, कहीं जाइएगा मत। और सुबह की घड़ी में बज चुके हैं 7:30 और 8 बजे की पिकअप है, तो मिलते हैं आपसे पहुँच के कस्टमर के घर पर। लेट्स गो। सो गाइस, तो अभी हमारे पास CNG 2 पॉइंट है। ठीक है, अभी जाते हैं कस्टमर के घर पे और पिकअप करेंगे और सीधे हेरोली में भराएंगे CNG। और कितने का CNG लगता है और टोटल बताएंगे और कितने घंटे लगते हैं वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, और चलिए मिलते हैं आपसे, लेट्स गो। पहुंच गया हूं, देखो ये बिल्डिंग है, जो इसी में से पिकअप है मेरा। और ये मेन रोड पे ही है, तो मैं इधर गाड़ी मेन रोड पे ही लगा दिया हूं। और चलिए हम निकलेंगे, और घड़ी में बज चुके हैं 7:30 और आधे घंटे में निकलेंगे यहां से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे पहुंच के तलेगांव, लेट्स गो। सो गाइस, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे और नेविगेशन चालू करके हमें तलेगांव जाने में कितना टाइम दिखा रहा है। आप देख सकते हो कि 2 घंटे 10 मिनट बता रहा है, बट सुबह का टाइम है। देख सकते हो, अगर आप थोड़ा भीड़ मिला तो 1 घंटे लेट हो सकते, 1 घंटे आधे घंटे। तो चलिए निकलते हैं, 113 किलोमीटर की जर्नी है और 2 पॉइंट मेरे पास गैस है, तो चलिए अब गैस को भी फुल करा लेते हैं। और गैस भराना भी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो ये गैस भरा के मैं खाली हुआ और निकल पड़ा हूँ अब सीधे तलेगांव के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे, लेट्स गो। पहुंच चुके हैं तलेगांव और आप ये देख सकते हो ऑफिस इधर है। और अभी यहाँ से निकलेंगे वापस 1 घंटे बाद और चल रहे हैं खाना खाने के लिए। बने रहिए इस वीडियो में, अभी खा के मिलते हैं आपसे। सो गाइस, तो खाना खा के आ गए हैं। आपको बता दें कि मुंबई से तलेगांव आने के लिए हमें 4 घंटे लगे हैं टोटल। सुबह से आए हम 11:30 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं और घर से निकलेंगे 7 बजे, 7:30 के आसपास निकले थे। और आपको, और आपको बता दें कि हमने गैस भरी थी 550 रुपये की, और पहले मेरे पास 2 पॉइंट था। और आपको गैस दिखा देते हैं अभी कितना बचा हुआ है मेरे पास। गाइस, तो ये देख सकते हो हमारे पास आधा का बचा हुआ है और किलोमीटर चला हुआ है। जब भी मैंने गैस भराया था तभी मैंने 0 कर दिया था ट्रिप 1 को, तो 98.1 किलोमीटर चला हुआ है। और उसके बाद में टोटल 131 किलोमीटर घर से निकलते हुए निकल गया है। आप देख सकते हो 3 घंटे 29 मिनट से गाड़ी चालू है। तो आप लोगों को दिखा दिया, पहले 2 पॉइंट था जब भी भराया था, उसके पहले जब भराया फुल हुआ उसके बाद इतना काटी, अभी आधा है मेरे पास CNG। अभी इतने में मैं सर को ड्रॉप भी कर दूंगा और फिर उसके बाद मुझे भराना पड़ेगा, क्योंकि मेरा घर सर से, घर से दूरी 20 किलोमीटर की है। 20 किलोमीटर के लिए मुझे गैस भराना पड़ेगा। मार्केट बहुत डाउन है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि बच्चे लोग का एग्ज़ाम चल रहा है। और टोटल एक्सपेंस खर्चे हुए हैं जो कि मुंबई से तलेगांव आने में, वो टोटल खर्चे हुए हमें CNG के 2 पॉइंट पहले था 550 वो, मतलब 750 रुपये के गैस में। अभी आधा गैस बचा हुआ है मेरे पास। और टोल जो कि लगता है 320 रुपये अगर वासी से होके आते हैं तो, एरोली से, और टोटल उधर भी 45 रुपये लगते हैं, तो 320 और 365 रुपये वो, और 750 का गैस पकड़ लो, तो मतलब 1000 के अंडर में CNG गाड़ी आप लेके
चार जन को बिठा के आ सकते हो एक सेडान गाड़ी में, ठीक है। अगर आपके पास अर्टिगा भी है तो अर्टिगा की माइलेज हमें नहीं पता है, अर्टिगा में कितना लगेगा गैस, तो आप, मैं अपनी गाड़ी का बताया। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।